हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। आज के टॉपिक है इनकमिंग और फ्लैश लाइट, किस प्रकार से यूज़ करते बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है रियलमी का फ़ोन है। फ्रेंड्स, सही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना होगा एंड आप सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है, तब आपको यहाँ दिखता है कम्युनिकेशन टूल्स एंड इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको गेस्चर मोशन भी क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है और स्क्रीन ऑफ गेस्चर एंड इस तरीके से इंटरफेस। तब पर आपको लास्ट में दिखता है इनकमिंग कॉल फ्लैश लाइट एंड इस प्रकार से सॉरी फ्रेंड्स बैक हो गई एंड दोबारा क्लिक करेंगे और उसके बाद देख सकते हैं ये रहा ऑप्शन एंड इस प्रकार से ऑफ होता है, इस तरीके से ऑन होता है। ये ऑन है तभी इसका यूज़ कर सकते हैं एंड ये कॉल आने पे आपका फ्लैश लाइट ऑन ऑफ होगा, इसीलिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इनकमिंग कॉल फ्लैश लाइट कहते हैं। एंड ये तभी यूज़ कर सकते हैं जब ये ऑन हो और कॉल आने पर आपका फ्लैश लाइट ऑन होगा, वैसे नहीं होगा। कॉल आने मतलब कि कॉल आने पर आपका फ्लैश लाइट ओपन होता है, ऑन ऑफ होगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कोई मतलब कि कोई कॉल आ रहा है। एंड फ्रेंड्स, अगर ये ऑफ है तो नहीं यूज़ कर पाएंगे, अगर ऑन है तभी यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये फ़ोन की स्क्रीन ऑफ भी होनी चाहिए, जब आपको ये दिखता है फ़ोन की स्क्रीन जैसे ऑफ, अगर इस तरीके से ऑन है और तब आपके पास कोई कॉल करते हैं या फिर कोई कॉल आप किसी कोई कॉल आता है किसी भी समय पर और आपकी स्क्रीन ऑन है तो आपका फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगा। तो आप अगर आपका स्क्रीन ऑफ है इस तरीके से तो आपका फ्लैश लाइट ऑन होगा। दोबारा बता देती हूँ, अगर स्क्रीन और पहले स्क्रीन हम ड्रॉ कर लेते हैं, हम ओपन कर लेते हैं वापस, तो देख सकते हैं अगर ये ऑफ है तब आपका नहीं होगा, बट इसे ही ऑन करना ज़रूरी होता है। और फ़ोन की स्क्रीन साथ ही ऑफ होनी चाहिए, तब आपका कॉल आने पर फ्लैश लाइट ऑन होगा, वैसे नहीं होगा। तो एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में इनकमिंग कॉल फ्लैश लाइट का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।